हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज़ टेबल्स इन एचटीएमएल एचटीएमएल के अंदर टेबल किस तरह काम करते हैं और इसे किस तरह लिखना होता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा पहले सबसे पहले फ़ाइल बना लेंगे ट्यूट सॉरी गाइस यहां पर नाम में मैंने मिस्टेक कर दी इसको रिनेम कर देंगे हम कोई बात नहीं गाइस हर चीज़ को हम चेंज तो कर सकते हैं इसको रिनेम कर देंगे ट्यूट तो ये वाला फाइल बंद कर देंगे ये ट्यूट टू भी बंद कर देंगे और इसके अंदर हम हमारा जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लगा देंगे मार्क लगा कर इंटर दबा दिया और टाइटल के अंदर लिख देंगे ट्यूट कंट्रोल टू सेव हम लाइव सर्वर में ओपन कर लेंगे ताकि हमें कोई बाद में दिक्कत ना हो ओपन होने में हमारा डॉक्यूमेंट तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव सर्वर में हमने इसे ओपन कर लिया अब मैं यहाँ आप पर आपको बताऊंगा टेबल्स टेबल्स इन क्या होते हैं टेबल्स किस तरह यूज करने होते हैं एस के अंदर टेबल्स इन एस टेबल्स इन एस तो गाइस टेबल्स आर थोड़ी सी मिस्टेक हाँ टेबल्स आर यूज टू डिस्प्ले और रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डाटा रियल लाइफा यानी कि आपको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था लिस्ट क्या होता है लिस्टैग भी वही काम करता है रियल लाइफ लिस्ट आइटम को इकट्ठा कर हमें वेब पेज पर शो कराए तो टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले और रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डाटा यानी टेबल्स भी वही काम करते है जो रियल लाइफ टेबल डाटा होता है वो हमें वेब पेज के अंदर शो होगा गाइस इस की मदद से जैसे कि हम टेबल टैग के यूज करेंगे उसके अंदर हम हमारा डाटा डालेंगे तो वो सारा का सारा डाटा वेब पेज पर हमें शो होगा तो गाइस उसके अंदर कुछ टैग्स होते हैं जैसा कि टी आर टी आर टैग हो गया टी आर टैग एक ऐसा टैग है इसका मतलब है टेबल रो, यानी कि टेबल की जो रो है उसके बारे में टेबल रॉ फिर उसके बाद आता है गाइज टी टैग यानी कि टेबल डाटा टैग

टी के अंदर लिखेंगे टेबल हेडर ओके गाइस लेट्स ट्राई टू राइट ए टेबल टैग सबसे पहले हम एक टेबल टैग लगा लेंगे टी ए बी मैंने लिखते हैं यहाँ पर वी एस कोड ने एमिट एब्रिविएशन की मदद से यहाँ पर हमें शो कर दिया टेबल टैग को एंटर दबाया और टेबल टैग आ चुका है गाइस तो उसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे गाइस टी आर टैग यानी कि टेबल रो टेबल रो के अंदर हम लिखेंगे टी एच यानी कि टेबल का हेडर लिखेंगे गाइस उसके अंदर हेडर में क्या क्या आनी चाहिए सबसे पहले हमारा नेम आना चाहिए नेम फिर गाइस उसके बाद और एक टीएच लिखेंगे हम और एक रोक में और एक हेड क्या चाहिए हमें उसका रोल नंबर सॉरी गाइस पहले उसका नेम फिर क्लास लिख देंगे उसकी क्लास फिर लिख देंगे और एक टीएच जिसके अंदर हम उसका रोल नंबर लिख देंगे रोल नंबर तो ये एक सिंपल वे है गाइस लिखने का टेबल और मैंने यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हाँ रोल नंबर और तो ये गाइस हमने तीन हेडर बना दिए मैं आपको लाइव में चलकर बताऊंगा किस तरह नजर आ रही है देखिए ये पहले नेम आ चुका है, फिर क्लास, फिर अब इसके अंदर हम टीडी टेबल पहले टी डी लिखेंगे टेबल रॉ फिर उसके अंदर हम टी डी लिखेंगे पहला टी डी नेम क्या है नेम गाइस हम लिख देंगे विराट कोहली विराट कोहली फिर उसके सिर्फ कोहली लिखेंगे फिर उसके बाद कई लिखेंगे। विराट कोहली की क्लास क्या है लेवंथ क्लास फिर एक टेबल टैग लगाकर, टी टैग लगाकर हम उसका रोल नंबर लिखेंगे विराट कोहली का एटीन तो सारी इंडिया को पता है फिर हमने टी आर को क्लोज कर दिया फिर हमने टेबल टैग को भी क्लोज कर दिया तो कंट्रोल सेव से करते चलते हम फटाफट लाइव और जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पर आ चुका है हमारे लाइव सर्वर पे नेम कोहली क्लास एवंथ रोल नंबर एटीन ये ठीक ठाक लग रहा है उतना भी ठीक नहीं लग रहा है जितना मैं चाहता हूँ लेकिन ये एस के हिसाब से बिल्कुल ठीक लग रहा है जब हम फ्यूचर में आगे सी पढ़ेंगे तो उसको एकदम बढ़िया स्टाइल करके कर हम टेबल को एकदम चमका देंगे गाइज तब तक हमारे साथ बने रहिए फिर गाइज़ मैं आपको इसके अंदर और थोड़े डाटा ऐड कर बताऊंगा ये मैंने कॉपी किया और पर पेस्ट कर दिया यहां पर कोरी हो गया फिर पर रोहित लिखूंगा रोहित भी क्लास में लेकिन उसका नंबर एट लिख दूंगा फिर यहां पर मैं रिंकू लिखूंगा रिंकू भी क्लास में उसका नंबर वन लिख दूंगा कंट्रोल एस टू सेव ये काफी सुंदर तरीके से पूरा का पूरा डाटा गाइस हमारे टेबल के अंदर आ रहा है तो गाइस ये है हमारा टेबल टैग जिसके अंदर हम हमारे एच एम एल की मदद मतलब से हम हमारे वेब पेज पर टेबल्स बना सकते हैं तो टेबल के अंदर डाटा किस तरह ऐड करना होता है फिर मैं आपको बताऊंगा अभी कैप्शन टेबल यानी कि टेबल का जो ऊपर का जो आता है, वो हम किस तरह लिखेंगे लिख so कैप्शन टैग जैसे कि यहाँ पर हम लिख देंगे कैप्शन टैग उसके अंदर लिखेंगे जो भी हम टेबल की इन्फॉर्मेशन हैं जैसे कि मैं लिख दूंगा यहां पर स्टूडेंट डाटा स्टूडेंट डाटा कंट्रोल इज टू सेव और गाइज यहां पर मैं इसके नीचे लिख दूंगा टी हेड टी टी हेड हेड क्या होता है गाँग? मैं आपको बताऊंगा यानी कि टेबल का है? टू टेबल हेड ये होता है गाइज टेबल हेड फिर उसके बाद आता है गाइज टी बॉडी यानी कि ये होती है टेबल की बॉडी यानी कि टेबल का मेन पार्ट

टेबल का हेड है उसको मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल वी सिंपल सी बात है इसको कमेंट आउट करता उसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि टेबल का डाटा ये यह यहाँ पर इससे कॉपी कर लूंगा सॉरी कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा कंट्रोल एस टू सेव यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी टेबल टैग नहीं लगाया तो यहाँ पर टेबल टैग भी लगा लेता हूं। उसमें उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कंट्रोल पर और ये सारा का सारा मैं पहले कमेंट आउट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से नोट्स भी मिलते रहे और अच्छे से समझ भी आ जाए तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर मैंने टेबल का टैग लगाया फिर टीए लिखा ये सारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दिया मैंने इसको लाइव सर्वर में ओपन कर देखते हैं गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा टेबल लग रहा है कुछ चेंजेस तो आए नहीं पहले जो टेबल था वही टेबल है लेकिन जो लिखने का फॉर्मेट है ये एकदम सही तरीका है पहले हम टेबल का हेड लिखना चाहिए फिर उसके अंदर एक टीआर लगा देना चाहिए यानी कि टेबल रो फिर उसके अंदर हम टी एज लगाएंगे यानी कि टेबल का हेडर यानी कि हेड के अंदर जो नेम्स आएंगे वो क्या आएंगे जैसे कि मैंने लिखा नेम क्लास रोल नंबर फिर कहते हम उसके बाद लिखेंगे टी बॉडी टी बॉडी के अंदर हम सारा का सारा मेन डाटा लिखेंगे यानी कि उसके अंदर पहले हम एक टीआर टैग लगा देंगे यानी कि एक टेबल रो फिर उसके अंदर हम लिखेंगे कोली यानी कि जो हमें डाटा फिल करना होगा उसका डाटा फिल कर देंगे फिर और एक में लिखना है और एक नाम लगा देंगे जितनी हमें लिखनी है उतनी हम लगा दे जाएंगे टेबल डाटा के रोज फिर टेबल टी बॉडी को क्लोज कर देंगे यानी कि टेबल बॉडी क्लोज कर देंगे फिर टेबल टैग को क्लोज कर देंगे तो गाइस ये था यहाँ पर टेबल टेबल सीन एस टी एम की टेबल की सारी सारी इंफॉर्मेशन टेबल किस तरह लिखते है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है गाइज आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको ये टेबल्स और लिस्ट समझ नहीं आएंगी इसको इसको अच्छी तरह एक दो तीन बार प्रैक्टिस करना गाइज फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक लेकर तब तक के लिए गुड बाय चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स इन कॉलेजेस या फिर कोई भी आपके दोस्त जो इस तरीके का कोर्स कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ तब तक के लिए गुड बाय मिलते हैं अगले वीडियो में